देखिए गाइस, हमारी मैम आ चुकी है और ये खिड़की में से देख रही हूँ मैं इसको। तो ये इधर से हमें आवाज लगाती है और गेट खोलने के लिए बोलती है। तो ये अभी मशीन के ऊपर बैठी है, तो ये यहीं पर ही बैठी रहती है। और ये देखिए, और अभी मैं जैसे ही गेट खोलूँगी तो ये यहाँ पर आएगी मेरे पास, खाना खाने के लिए आई है ये। तो ये देखिए, ये बैठी है मशीन के ऊपर बैठी हुई है ये, और ये अंदर इसने मुझे देख लिया है तो ये बार बार अंदर देख रही है। माऊ, और देखिए इस तरह से यहाँ पर मशीन के ऊपर बैठ जाती है। तो मैं अभी इसे बाहर से दिखाती हूँ आपको। ये बैठी हुई है माऊ, ये इस तरह से प्यार दिखाती है। देखिए देखिए, ये मेरे आसपास ही ऐसे ही बस ठीक है ना। ये देखिए बिल्कुल नहीं डरती है, ये हमारे पास इतने अच्छे से रहती है और इतने अच्छे से। ये देखिए शैतानी इतनी कर रही है, ये मेरे पैरों में लिपट रही है बार बार। और आंशी लड्डू अंदर बैठी हुई है तो ये उन लोगों के पास जाने के लिए कर रही है। देखिए हाँ, इधर चलो, बाहर बाहर जाओ, बाहर अभी दे रहे हैं हम खाना, बाहर जाओ बाहर, इधर ही बैठो, आ रहे हैं अभी हम खाना लेके, इधर ही रहना, बैठ जाओ इधर ही, बैठ जाओ, बैठो इधर ही। देखिए ये कितना शैतानी कर रही है। आंशी इसकी बिस्किट दे दो, चलो 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 चलो, आंशी पकड़ लो। तो ये देखिए, ये यहाँ पर डेली हमारे पास खाना खाने के लिए आती है। ये कोई पालतू बिल्ली नहीं है, हमने कोई पाली नहीं है, और ये डेली से आती है, अपने आप से आती है, और ये एक तरह से पालतू हो गई हमारी। और इतना प्यार करती है आकर के, ये पैरों में लिपटना करना, इसका ये प्यार दिखाना ही होता है। बहुत ज़्यादा ये हम लोगों से लगाव हो गया है, काफ़ी दिन से हमारे पास आ रही, जब से हम इधर आए हैं तब से ये हमारे पास आती है, डेली खाना खाती है और बस खाना खा के अपने आप ही चली जाती है। और आंशी लड्डू को भी अगर मैं खिला दूँ तो आंशी लड्डू नहीं दिखेंगी तब तक वो जाएगी नहीं, और खाना अगर मैं इधर बैठ के खिला दूँगी इसको तो खाएगी, वरना मैं रख दूँगी। कभी कभी मेरे पे टाइम नहीं होता है और मैं अपने काम करती हूँ तो मैं इसको दूध या बिस्किट ऐसे डाल देती हूँ और फिर गेट लगा लेती हूँ, तो ये छोड़ कर चली जाती है, ये नहीं खाती है। तो देखिए मैं इसको ऐसे खिला रही हूँ तो आराम से खा रही है, और अगर यदि मैं छोड़ के चली जाऊँगी और तो ये चली जाएगी, ये नहीं खाएगी खाना। और ये देखिए अभी पूरा फिनिश करके जाएगी, इसका पेट भर जाएगा तो ये खाना बंद कर देती है, फिर अपने आप हमको समझ में आ जाता है कि अब ये खाना नहीं खाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये पार्ली की जी के बिस्किट खाती है, और कोई से बिस्किट डालो उसको तो ये नहीं खाती है, और पार्ले जी के बिस्किट बहुत अच्छे से खा लेती है। और सुबह टाइम ये आती है तब ये दूध के लिए करती है, अगर इसको बिस्किट दो तो दूध नहीं पी, बिस्किट नहीं खाती है, इसको दूध ही चाहिए होता है। तो सुबह टाइम इसको हम दूध देते हैं और शाम के टाइम इसको हम बिस्किट खिलाते हैं। तो ये देखिए कितने आराम से खा रही है, और मतलब इसको प्यार करो, बहुत अच्छा लगता है इसको, और बहुत अच्छे से मतलब हमारे साथ रहती, कभी कोई चीज़ के लिए हानि नहीं पहुँचाई, कभी हमारे किचन में घुस के कुछ नुकसान नहीं किया है इसने। और ये देखिए, और ये सब जगह देख रही है और फिर आके बार बार खा लेती है, जानवरों की आदत होती है, थोड़ा थोड़ा रुक के खाते हैं। तो ये देखिए जानवर बस प्यार के भूखे होते हैं और कुछ नहीं, और इससे बोलो बैठ जाओ तो बैठ जाती है, खा लो तो खा लेती है, तो मतलब वो हर चीज़ हमारी समझती है और बहुत प्यार करती है। और आंशी लड्डू भी इससे काफ़ी अच्छे लगाव है इससे, बिल्ली से, और उन लोगों को भी ये बहुत अच्छी लगती है। और हमारे यहाँ पे दो डॉग भी आते हैं सुबह टाइम, तो जो कि आंशी लड्डू को मैं जब स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो वो बाहर हमारा वेट करते रहते हैं। और किसी दिन उसका भी वीडियो बनाऊंगी मैं, आपके साथ शेयर करूंगी कि जब मैं आंशी को छोड़ने जाती हूँ तो जब मैं बस के लिए वहाँ पर छोड़ने जाती हूँ पीछे पीछे वहाँ तक जाते हैं, और फिर जब हम लोग आ जाते हैं घर पे तो वो दरवाजे पर खड़े होकर के, जब तक मैं उनको कुछ दे नहीं देती खाने के लिए जब तक वो जाते नहीं है। तो वो डेली का नियम है, वो भी सुबह आते हैं, दो डॉग आते हैं, और शाम को ये तो डेली ही आती है, सुबह भी आती है शाम को भी आती है। देखिए यहाँ पर अब ये मस्ती करने लगी, इसको नहीं खाना है तो अब ये मस्ती कर रही है, बहुत ही मुश्किल से खाएगी, अब ये नहीं खा रही है, ये इसको मस्ती करना है, उधम करना है।
तो ये देखिए मेरे साथ में मस्ती कर रही है अभी कि प्यार करो बस मुझे और उसको खाना नहीं खाना है। तो ये देखिए मैं इसको प्यार कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा बिस्किट रह गया था तो मैं इसको खिला रही थी जबरदस्ती कि खा लो तो वो खा नहीं रही थी। अब उसका पेट भर चुका है और ये अब मस्ती के मूड में है तो इसको मैं ज़बरदस्ती करके खिला रही थी। तो देखिए मेरे आसपास ही घूम रही है ये प्यार करने के लिए, मतलब कि उसको बस प्यार करो, क्या होता है जानवर प्यार के भूखे होते हैं और कुछ नहीं होता है। तो ये देखिए ये जैसे तैसे खाना खाने लगी, इसको पूरा फिनिश करने के लिए मैं बोल रही थी कि इसको फिनिश कर दो, ये पड़ा हुआ है और एक बिस्किट और पड़ा था तो मैं सोची इसको खिला दूँ तो ख़त्म कर दूँ। तो ये यहाँ पर मैं बैठूँगी जितनी देर उतनी देर में ये खा लेगी, और अगर मैं चली जाऊँगी यहाँ से छोड़कर तो ये नहीं खाएगी। तो देखिए कितने अच्छे से खा रही है यहाँ बैठ करके जब तक मैं बैठी हूँ तब तक। और ये देखिए इसको मैंने बहुत जूम कर दिया इसको दिखाने के लिए आपको, देखिए कितनी प्यारी लगती है, बहुत मासूम सी है। और एक दिन ये अपने दो बच्चे भी लेकर के आई थी दोपहर के टाइम में, तो ये दो बच्चे अपने लेकर के आई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पर, लेकिन वो बच्चे ऊपर मुड़ेल से नीचे नहीं आ पा रहे थे तो इस कारण से फिर ये लेकर चली गई थी। और फिर मैंने भी मना कर दिया इसको लेकर के आने के लिए, बन की ले जाओ यहाँ से, मैं नहीं रख पाऊँ क्योंकि मैं कहाँ रखती, मेरे पास इतनी जगह नहीं थी। तो ये अपने दो बच्चे भी लेकर के आई थी, हमने दिन में देखी थी और ला कर के हमारे दरवाजे पर चल रही थी तो हमने गेट खोल के देखा तो इसके दो बच्चे थे और मुड़ेल काफ़ी ऊँची थी तो बच्चे नीचे कूद नहीं पा रहे थे, ये तो आ गई थी बट बच्चे नहीं आ पा रहे थे। तो फिर ये वापस ले गई थी अपने बच्चों को, शायद ये हमको मिलवाने लाई थी। और अभी भी ये शायद प्रेग्नेंट है, तो बहुत ही मुझे लग रहा है ऐसा कि ये प्रेग्नेंट है क्योंकि बहुत मोटी मोटी सी लग रही थी, वैसे बहुत दुबली है। और ये देखिए इसको मैं अभी अच्छे से और दिखाऊंगी तो आप बताइएगा कि कैसी है हमारी माऊ। इसका नाम हमने माऊ रखा है और इसको माऊ करके अगर हम बोलते हैं तो ये तुरंत हमारी बात सुनती है। और ये दिन में भी हमारे यहीं पर ही रहती है, तो मैं अभी आपको आज अभी रात का दिखाऊंगी और कल मॉर्निंग का भी दिखाऊंगी। तो ये दिन में भी हमारे यहाँ पर ही रहती है, मुड़ेल पर सोती रहती है, बाहर ही रहती, मैं अंदर नहीं रहती क्योंकि इतनी मतलब मैं अंदर नहीं ले पाती। देखिए ये सुबह का मॉर्निंग का है, ये मॉर्निंग में आई, इसको दूध दे दिया था मैंने, दूध पी चुकी है। और अभी ये देखिए इसमें बर्फ़ी रखी थी तो मैंने बर्फ़ी दी थी इसको खाने के लिए बट इसने नहीं खाई। और अब ये प्यार करना है इसको, देखो लड्डू इसको प्यार कर रही है, तो देखिए कितनी मस्ती आ रही है इसको, ये खाना ना खा चुकी है। अब इसको शैतानी करना है बच्चों के साथ में, तो ये यहाँ पर बैठी हुई है और बच्चों के साथ में शैतानी कर रही है, लेट गई है कि मुझे प्यार कीजिए। और ये देखो लड्डू इसको प्यार कर रही है बार बार, और ये देखिए मस्ती आ रही है उसको बहुत ज़्यादा। और ये मॉर्निंग में भी आकर के बाहर बैठ गई थी और चिल्ला रही थी तो मैंने गेट नहीं खोला क्योंकि सुबह के टाइम बहुत काम होते हैं, तो अगर गेट खोल दो तो ये फिर पीछे पड़ जाती है, मतलब पैरों में लिपड़ना, काम नहीं करने देती है और कहती कि खेलो मेरे साथ में, मतलब पैरों में लिपड़ती है तो बहुत परेशान कर लेती, काम नहीं कर पाती है। तो मैं सुबह नहीं खोली थी तो फिर मेरे हस्बैंड ने देखा तो उन्होंने गेट खोल दिए थे कि वो बाहर खड़ी है इतनी देर से चिल्ला रही है तो उसके लिए गेट खोल दो। तो गेट खोल के फिर मैंने उसको दूध दे दिया था, मैंने कि मेरे पास टाइम नहीं है अभी,
आप लोगों की हैं, ये कौन सी सीट है आप लोगों की हैं, इस पे कौन बैठता है, ये टूट जाएगी वो खाली है। अच्छा आप बहुत मोटी हो ना, आपकी वजन से टूट जाएगी पद्दूरा। मैं मोटी हूँ, ये मोटी है, देखो कितनी मोटी है लड्डू, कितनी मोटी है, क्या हुआ बिल्लू राजा, ये अभी सो सो के उठी मैडम जी बिल्लू। देखिए ये यहाँ पर सो रही है, ये पूरे दिन यहाँ सोएगी क्योंकि इसको पता है यहाँ पर इसको कोई परेशान नहीं करता है, और जब इसको भूख लगेगी तो ये किचन के दरवाजे पर आ जाएगी। पूरे दिन ये यहाँ पर मुड़ेल पर सोती है, यहाँ पर मैं चिड़ियाओं के लिए पानी रखती हूँ, यहीं पर ये सोती रहती है। ये देखिए यहाँ पर आराम से मज़े से सो रही है। क्योंकि यहाँ ठंडक भी रहती है, पेड़ है यहाँ पर और दीवार की छाएं हैं तो आराम से सोती रहती है।